हालांकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश की शान है, चमचमाती सड़कें हैं, लेकिन इस एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े हुए। आज सुबह दौसा के भांडा रेस के पास जो तस्वीर सामने आई उसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। सौ से 120 किलोमीटर की रफ्तार से भागती कार के सामने ऐसा गड्ढा अचानक दिख जाए तो क्या करेंगे? सोचकर सांस अटक जाएगी, कुछ भी हो सकता है, जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। ये जानलेवा मंजर उस एक्सप्रेस वे का है जिसे बड़े धूमधाम से देश के सामने पेश किया गया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। दौसा जिले से होकर गुजर रहे एक्सप्रेस वे पर पिलर संख्या 182 के पास एक गहरा गड्ढा देखने को मिला। गनीमत रही कोई हादसा नहीं हुआ। गड्ढा इतना गहरा था कि अगर कोई कार उसमें गिरती तो वो पूरी तरह इसमें समा जाती। एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी को जैसे इस गड्ढे का पता चला तत्काल रूप से दोनों तरफ बैरियर लगाकर यातायात को डाइवर्ट किया गया। लेकिन सवाल यह है कि नए नवेले सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हुआ कैसे? आपको बता दें कि भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लागत करीब करीब 1,00,000 करोड़ है। नितिन गडकरी ने दावा किया था कि एक्सप्रेसवे देश की सबसे बेहतरीन सड़कों में एक हो, यात्रा करना बेहद सुरक्षित होगा। पूरी तरह बनने के बाद 15 से 16 घंटे में दिल्ली से मुंबई की यात्रा पूरी हो जाएगी। हमारा ये विश्वास है और ये उद्दिष्ट है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2024 समाप्त होने के पहले हम हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आए दिन हो रहे सड़क हादसे और सड़क धंसने की घटना एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया, लिखा ये ट्रेलर। सवाल उठता है कि इतना भारी भरकम टोल टैक्स देने के बावजूद क्या लोगों को सुरक्षित और सुगम सफर की गारंटी नहीं मिलेगी? सवाल ये भी कि बड़े बड़े इंजीनियर्स की देखरेख में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया, फिर इतना बड़ा गड्ढा कैसे हो गया? सबसे अहम, क्या निर्माण के दौरान इसमें कोई चूक हुई या फिर कोई और वजह है जिसके चलते एक्सप्रेसवे पर गड्ढा हुआ? शुक्र मनाइए कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई चपेट में आता तो सीधे पाताल लोक के दर्शन हो जाते। लक्ष्मी अवतार शर्मा, जी मीडिया। जी